关就刚刚聊一下，聊聊两句。我问你啊，哎呀，साबरमती आश्रम के हर ओर इतिहास के वो चेहरे, इतिहास की वो यादें, इतिहास के वो अध्याय, दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। वे धरती, पानी, धर्म, रीति रिवाज और आदतों के कारण अलग हैं, फिर भी उन लोगों का दिल और दिमाग एक शहर। अचानक उपस्थित हुई परिस्थितियों तथा संवेगों के दबाव के कारण वे या तो नाच गाने और प्रार्थना के रूप में एक बन जाते हैं, या फिर दंगे और कलह के रूप में विस्फोटक हो जाते हैं। ऐसे अवसरों पर सभी मनुष्य एक धरे और एक मत हो जाते हैं। भावों की तीव्रता में क्रोध और उल्लास का समावेश होता है। ऐसे समय में वे संसार में एक नई चेतना का संचार करते हैं। अद्भुत लेखन, अद्भुत भाव, अगर खून बहाना ही है तो वह अपना ही हो। आओ बिना किसी की हत्या किए हम शांति और साहस से मरे। इफ ब्लड बी शेड लेट इट बी आवर ओन, लेट अस कल्टिवेट द काम करेज टू डाई विद अस किलिंग। अहिंसा के पुजारी बापू, चलो वो देखी जल्दी उत्तर है तो एक जगह और हो जाएगी तुम्हारी तो। आई डू नॉट बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ द ग्रेटनेस, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। इट मीन्स इन इट्स नेकेडनेस दैट इन ऑर्डर टू अचीव द सपोज्ड गुड ऑफ 51% द इंटरेस्ट ऑफ 49% may be enough, rather should be sacrificed. It is the heartless doctrine who has done harm to humanity. The only real dignified human doctrine is the greatest good of all. अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से लड़ाई लड़ना, अहिंसा से इतिहास रचना, शायद मोहन से महात्मा बनने की, यात्रा इस बात को सिद्ध करती है।
अहिंसा ही वो एक रास्ता है जिसने बापू को मोहन से महात्मा बनाया। अहिंसा ही वो मूल मंत्र है, अहिंसा ही वो मूल मंत्र है जिसने बापू को महान बनाया, देश का राष्ट्रपिता बनाया। यही नहीं, मोहन से महात्मा बनाने की भी क्षमता बापू को अहिंसा से साबरमती आश्रम से। मैं संतोष प्रताप सिंह, नेताजी टीवी, नेताजी टीवी।